हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, मैं शोमू और हम लोग फिर से आ गए एक नया वीडियो लेके। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली मैं सोमू से कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आजकल मैं फेसबुक में बहुत देख रहा हूँ कि लोग कनाडा के ऊपर बहुत मतलब कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि लेकिन वो कनाडा अभी और ड्रीम कंट्री नहीं है और कनाडा से काफ़ी बहुत सारे लोग वापिस भी जाना चाहते हैं बैक टू इंडिया और बैक टू बांग्लादेश, लेकिन जो भी अपने देसी कंट्री है, राइट। तो इसके ऊपर ही थोड़ा सा मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि मैं कनाडा में 2016 में आया था और अभी 2023 से इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। मैं टोरंटो में रह चुका हूँ, कैलगरी में रह चुका हूँ, मैं हैलिफैक्स में हूँ अभी लास्ट एक साल से। तो प्रोज एंड कॉन्स शायद मैं बोल सकता हूँ, मे बी आई एम क्वालिफाइड राइट नाउ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा बोल सकते हो थोड़ा ऑब्वियसली, लाइक यू नो देखिए हर किसी का सिचुएशन अलग होता है, राइट। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन वो शायद किसी और की देखने के नज़रिए से गलत भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो वीडियो है ये शायद आपको हेल्प कर सकता है अगर आप ऐसे डिलेमा में हो तो, ठीक है। तो आज मैं पहले नेगेटिव बोलूँगा, ठीक है। 5 ऐसा पॉइंट्स मैं बोलूँगा कि आपको कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो या मे बी आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो, व्हाट एवर द सिचुएशन इज, राइट। लेकिन वो 5 कॉन्स ऑफ कनाडा मैं बोलूँगा जब आपको नहीं आना चाहिए कनाडा। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है, आपको कनाडा कब नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा जाते हैं। या दैट इज ट्रू, राइट। तो क्या है कि देखिए, अगर आप खुद के काम खुद करना पसंद नहीं करते हो, आपको कनाडा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए कनाडा में आने के बाद आपको मेड नहीं मिलेगा, आपको कुक नहीं मिलेगा, आपको लाइक नो आपका जो वॉशरूम है टॉयलेट साफ करने वाला आपका कोई आपका मेड नहीं मिलेगा जो आपका टॉयलेट भी साफ कर देगा, आपको खाना पका के देगा, आपका बर्तन धोल देगा, आपका जो कपड़े है वो वॉश कर देगा। लेकिन वो बेसिकली यू आर द बॉस एंड आप बस बोलोगे जो भी करना है वो कर देगा, राइट। एंड एट द मंथ एंड आप कुछ पे कर दोगे, राइट, जो अपने कंट्री में जो कल्चर है। तो अगर आप इस चीज़ के आदि हो तो आप शायद कनाडा में आके सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। कनाडा में आने के बाद 2-3, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो खुद का काम खुद करना इस कंट्री में बहुत ज़रूरी है। इस कंट्री में जो डॉक्टर से, जो इंजीनियर से, जो लॉयर से, जो अच्छे खासे प्रोफेशन में है या जो जिनका खुद का मान लो बिजनेस है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी अपने घर में खुद का काम खुद करते हैं। खुद का घर का अगर साफ करना है वो साफ करने का काम, थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम, राइट, घर में कुछ टूट गया, घर में कुछ हो गया, यू नो यहाँ पे बर्फ जब गिरता है विंटर के टाइम पे बहुत भयंकर बर्फ होता है, राइट। जिन लोगों के पास घर है, अपना घर है, उसका फ्रंटियर बैकयार्ड सब आपको साफ करना होता है, राइट, आपको करना। और उस ठंड में बाहर जाके बर्फ साफ करना हर रोज नहीं होता, उतना इजी नहीं है। इवन समर टाइम में भी अगर आपके घर है, अगर आपने घर लिया और आपके बैकयार्ड में फ्रंटयार्ड में अगर आपका यू नो गार्डन आपका अगर है, ऑब्वियसली ग्रास होगा, राइट, घास होगा, आपको उसको भी काटना पड़ेगा। मतलब आपके घर के बाहर यू आर दी ओनर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे एकदम गंदगी मचा के रखोगे या वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा या पैसा नहीं है, वो म्यूनसिपैलिटी आके आपको टिकट दे देगा। तो बेसिकली और यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यू नो आपका गाड़ी का कुछ काम करना है और आप लोकल मैकेनिक के पास चले गए, 500 रुपया दे दिए, आपने काम कर लिया। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अगर कुछ भी काम करना है, आपको मैकेनिक के पास जाना है, किसी के पास भी जाना है, पहले से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और वो जो आपको पैसा चार्ज करेगा वो पर आवर चार्ज करेगा, पर घंटे के हिसाब से वो चार्ज करेगा, एंड वो अच्छा खासा कॉस्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए बहुत सारे लोग अपने खुद का काम खुद करते हैं, राइट, अपने गाड़ी का जो तेल ऑयल सर्विस होता है, राइट, मोबिल चेंज करना होता है या ब्रेक सर्विसिंग करना होता है, बहुत सारे लोग खुद करते हैं, ठीक है। जैसे मैं नहीं करता हूँ, राइट, लेकिन तो मेरी बीवी ने सही बोला, राइट, मुझे कनाडा शायद नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में खाना नहीं पकाया, मैं ज़िंदगी में कभी अपना घर कभी साफ़ नहीं किया, कभी बर्तन नहीं धोला, वॉशरूम साफ करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन थैंक्स टू माई वाइफ। अगर आपके पास अगर ऐसे वाइफ है तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, अगर ऐसे वाइफ नहीं है तब आप मत आओ। जोक्स अपार्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, खुद के काम करना पड़ता है, लेकिन
कभी कभार बहुत दिक्कत होता है क्योंकि पूरे दिन भाग दौड़ के बाद आके घर के खाना पकाना सब कुछ लेकिन and that's not easy, right? That's not easy. देखो अगर हस्बैंड वाइफ बोथ काम करते हैं आ सकते हो अगर आपको नहीं है मेंटेलिटी आपके आपकी तबीयत भी नहीं देते तो मत आओ आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और स्पेशली अगर आपके बच्चे है तो आप सोचो हस्बैंड वाइफ अगर दिन भर घर के बाहर काम करते हो राइट उसके बाद बच्चे के पीछे भी आपको एनर्जी देना पड़ता है आपको बहुत बच्चे के पीछे बहुत लेबर देना होता है राइट अगर बच्चा आपका छोटा है तो उतना लेबर देने के बाद उतना एनर्जी वेस्ट होने के बाद आपके पास एनर्जी हार्डली बचते है उसके बाद अगर घर का काम खुद करना पड़ता है तो डेफिनेटली दैट्स अ इशू राइट देखो कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा बट आई कैन फील दैट राइट एज ए पेरेंट्स मेरे भी दो बच्चे हैं सो वी कैन ऑल्सो फील दैट तो अगर आप इस चीज के आदी हो और अगर आपको लगता है कि आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो देन डेफिनेटली आपको कनाडा नहीं आना चाहिए ओके सो द सेकंड पॉइंट इज आपको कनाडा कब नहीं आना चाहिए आपको कनाडा नहीं आना चाहिए अगर मान लीजिए आपने जिंदगी भर अपने घर से बाहर कहीं नहीं रहे हो मतलब अपने फैमिली से दूर आप कभी अगर नहीं रहे हो तो आई डोंट नो वो आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि कुछ महीने होने के बाद वो लोग होम सिकनेस से यू नो वो स्ट्रेस हो जाता है राइट खुद हुआ था तो हम लोग दो बार चले गए तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा था तो फिर राइट हम लोग खुद टोरंटो से दो बार वापस गए हैं राइट उसी दौर से गुजरे हैं तो इसीलिए सो आई कैन फील दैट राइट लेकिन देखिए मेरा क्या है कि मैं मेरा जब उम्र था 18-20 साल तब उस उम्र से मैं बाहर रहना था मतलब मैं बाहर रहना स्टार्ट कर दिया था मैं बरेली में रहता था मैं दिल्ली में एक साल था अपने पेरेंट्स से दूर मैं बरेली में दो साल था अपने पेरेंट्स से दूर तो ऐसे बहुत सारी जगह में था मैं मुंबई में कुछ दिन था मैं पुणे में कुछ दिन था तो मेरा आदत था बाहर रहने का राइट लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं अपना फ्रेंड सर्कल अपना रिलेटिव सर्कल अपना जो रेगुलर जो कम्फर्ट सर्कल है राइट जो कम्फर्ट जोन है उस चीज़ को मैं मिस करने लगा था राइट और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ राइट कि जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है एंड दैट इज़ नॉट गुड राइट दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर किड्स इवन दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो राइट जो बैक इन इंडिया सोचता है कि आपके लेकिन उनके बच्चे बाहर है फॉरेन कंट्री में है बहुत अच्छा लाइफ लीड कर रहा है लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो राइट तो दैट इज़ नॉट गुड तो अगर आप कभी अपने घर से बाहर नहीं रहे हो राइट मैं तो आपको बोलूँगा लेकिन वो कनाडा इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने पेरेंट्स से दूर आप 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल के लिए कहीं पे आप रह के देखिए लेकिन आपको कैसा लगता है लेकिन हाउ यू फील अपने जो भी पेरेंट्स हो गया रिलेटिव्स हो गया फ्रेंड सर्कल हो गया उससे दूर आप रह सकते हो नहीं रह सकते हो लेकिन दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय यू राइट नो वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन ऑन योर बिहाफ राइट आपका सिचुएशन आपका मेंटल सेटअप आपका कम्फर्ट जोन आप कितना एडजस्ट कर सकते हो नए एनवायरमेंट में दिस ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन राइट हर किसी का सेम नहीं होता राइट मेरा कैपेसिटी नहीं था आपका कैपेसिटी हो सकता है राइट तो सो दिस थिंग्स राइट सो दिस इज मेरे ख्याल से दिस इज नंबर टू अगर आपको लगता है कि आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आप नहीं रह सकते हो देन कैनाडा इज नॉट अ प्लेस फॉर यू तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो भी रिलेटेड टू होम सिकनेस ही है होम सिकनेस तो नहीं बोलूंगा मैं लेकिन मैं ये बोलूंगा देखिए इंडिया में या अपने देसी कंट्री में राइट पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल सब अपने भाई भाई है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे हम लोग बहुत है जिनका कोई सिबलिंग्स नहीं है राइट जैसे मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है मैं अकेला हूँ ठीक है तो अगर आपका सिचुएशन ऐसा है और अगर बैक इन कंट्री अगर आपके पेरेंट्स लेकिन अकेले है तो इन दैट केस आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है राइट जैसे मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैक इन इंडिया मेरे पेरेंट्स रहते हैं मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है तो मेरे पेरेंट्स का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के पीआर के लिए अगर मेरे पेरेंट्स को पीआर मिल जाता है तो देन आई विल ट्राई टू कन्विंस देम कि बोलोगे यहाँ पे आ जाए मेरी वाइफ भी कन्विंस करती है लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मेरे पेरेंट्स का जो एज है उस एज में अभी इस टाइम पे लेकिन आफ्टर 60 आफ्टर 70 अगर मैं इन लोगों को फोर्स करके कनाडा लेके आता हूँ देन वो उनके लिए शायद थोड़ा सा टॉर्चर हो सकता है क्योंकि आप खुद सोचिए जो इंसान 60 साल 70 साल अपने कंट्री में अपने होम ग्राउंड में लेकिन नो जो भी अपने लोगों के अंदर जो एक कंफर्ट जोन में लाइफ लीड किया अभी
जिंदगी का जो भी 20-30-40 साल जो भी बाकी है राइट, वो उनको और आराम से रहना चाहिए राइट, अपने लोगों के अंदर अपना खाना खा के, लेकिन अपना जो लोकल कल्चर है, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट कल्चर राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज प्रॉब्लम राइट, मेरे पेरेंट्स को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, और मेरे पेरेंट्स जो है वो बाहर जाके लोगों से बात करना बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अगर आएगा तो ऑब्वियसली वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, दिल खुल के किसी से बात नहीं कर पाएगा, मैं बिजी होऊंगा, मेरी वाइफ बिजी होगी, तो वो अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करेगा राइट, कितना घंटा टीवी देखेगा। तो एंड विंटर के टाइम पे 6-7 महीने लिटरली वो बाहर नहीं जा सकते, इतना भयंकर ठंड होता है। देखिए ये ठंड हम लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे राइट, मेरे पेरेंट्स को कभी इतना आइडिया नहीं है कि -30-40 किसको बोलते हैं राइट, तो उस टेम्परेचर में आके यहाँ पे आके सर्वाइव करना इस उम्र में उनके ऊपर शायद टॉर्चर हो सकता है राइट, सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म। हम लोग इंडिया में ही थोड़ा सा ठंड पे जगह पे घूमने चले गए थे, तो उसी टाइम पे ही तबीयत बिगड़ जाते था बड़ों लोगों का, तो आप यहाँ पे इतना गिरते हैं टेम्परेचर तो कैसे सर्वाइव करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम तो रहता है। अगर मम्मी पापा वहाँ पे हो तो यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं अपने मम्मी से अभी भी बोलता हूँ कि हम लोगों को भी कोई भरोसा नहीं है, हम लोग कभी भी चले जा सकते हैं, कभी भी नहीं, मेबी आफ्टर फ्यू इयर्स, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर फ्यू इयर्स हो सकते हैं। देखिए नोबडी नोज राइट, बट मैं मेरा सिचुएशन में आपको बोल रहा हूँ राइट, आपका सिचुएशन भी मेरे जैसा हो सकता है, तो आज के दिन में मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ गारंटी देके मैं जिंदगी भर यहाँ पे रह सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला मेरे पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स अभी भी एकदम हड्डा कड्डा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टचउड तो मेरे, लेकिन जब मैं देखूंगा कि मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है राइट, तब मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं होगा, मुझे जाना ही पड़ेगा राइट, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन अबाउट दैट। तो अगर आपका सिचुएशन भी अगर मेरे ऐसा है तो शायद कनाडा लॉन्ग टर्म के लिए शायद आपके लिए नहीं है दोस्तों, अगेन दिस इज अगेन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस राइट, तो ये आपके 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 लिए वो डिफरेंट भी हो सकता है, आपका सिबलिंग्स हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है राइट, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, हम लोग के रिलेटिव्स बहुत कम है तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं राइट, और रिलेटिव भी अगर है तो ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स को रिलेटिव के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते राइट, नहीं जिन लोगों के रिलेटिव्स बहुत ज्यादा, दैट इज आल्सो नो, आई डोंट एग्री ऑन दिस पॉइंट विद माय वाइफ, अगर आप नहीं, ऐसे नहीं होता, किसी का रिलेटिव्स अच्छे होते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते नहीं, वो एकता कपूर के सीरियल देखने के बाद मुझे नहीं लगता है राइट, एनीवे बट मैं अपने पेरेंट्स को मैं अपने किसी भी रिलेटिव के ऊपर मैं डिपेंड नहीं कर सकता राइट, टू बी वेरी फ्रैंक मैं खुद के ऊपर डिपेंड करता हूँ, अगर मेरा एक भाई होता, बहन होता, दीदी होती, कोई भी अगर होता तो मैं उनके ऊपर डिपेंड करता राइट, क्योंकि हम खुद के मम्मी डैडी है, अदरवाइज दूसरे रिलेटिव के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हो सकता, दैट इज माई प्रॉब्लम एनीवे, तो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। So that is point number 3. Then what is the next point? The next point is very much important, okay? The next point is, agar aapka profession agar aisa hai ki jis profession mein maan lo aap already apne country mein practice kar rahe ho ya kaam kar rahe ho, aapko paisa mil raha hai, aap acha khasa paisa kama rahe ho, lekin wo jo profession hai wo Canada mein recognized nahi hoga until you are getting a local license here. What does it mean? That means, let's say, आप डॉक्टर हो राइट, आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अपने कंट्री में अपने MBBS पढ़ा, अपने आप बड़े डॉक्टर हो, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों को देख रहे हो, यू नो यू हैव अ गुड लाइफ देयर, बट नाउ ऑल ऑफ सडन यू प्लान टू लाइक नो मूव टू कैनेडा, देन यू कैनॉट कम हियर एंड यू कैनॉट स्टार्ट यूर क्लिनिक फ्रॉम डे वन, नॉट पॉसिबल ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो डिग्री है राइट, MBBS जो डिग्री है, दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज बाई यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है राइट, आपको यहाँ पे अगर डॉक्टर बनना है तो आपको यहाँ पे आकर फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा एंड आपको फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड उसका एक मिनिमम ड्यूरेशन है राइट, 4-5 साल, तो बहुत सारे लोगों के लिए दैट, सो दैट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो, देन फिर से यहाँ पे आने के बाद फिर से 4-5 साल पढ़ाई करो, स्ट्रगल करो, एंड टाइम आप उबर ड्राइव करोगे या छोटा मोटा काम करोगे, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आप एक प्रोफेशन में इतना अच्छे एस्टेब्लिश हो, आप यहाँ पे आके उबर चलाओगे, जो भी करो, डजंट मेक सेंस राइट। देखिए मैं आपको अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ राइट, मैं कुछ दिन पहले नहीं, लास्ट ईयर मैं बोल रहा हूँ, मैं एक बार उबेर लिया था, तो एक बंदे, एक अपना देसी कंट्री के अपना एक बंदा आया था, वो उबेर में मुझे पिक किया था, तो उनसे मेरा बात हो रहा था, वो बंदा बेसिकली पाकिस्तान से था एंड पाकिस्तान में ही वॉज अ डॉक्टर, तो मुझे बोल रहा था कि मैं अभी तो उबेर ड्राइव कर रहा हूँ बट आई प्रोफेशनली आई एम अ डॉक्टर इन पाकिस्तान, तो मैं थोड़ा सा लाइक ना मुझे भी लग रहा है यार, ये टीम ऑटोस में भी काम करते हैं यहाँ पे, यहाँ का डॉक्टर एग्जैक्टली बुरा लग रहा था मुझे देख के, क्योंकि यहाँ पे आके लाइसेंस नहीं मिला अभी तक,
तो जितने टाइम उन लोगों ने लाइसेंस नहीं मिला, उन लोगों को टिमोटम्स में, कॉफी शॉप में, कहीं पर भी काम करना पड़ रहा है, तो ये कितना बुरा लगता है। तो ये मेंटली मेंटल हैरेस, देखिए इंडिया में एमबीबीएस पास करना इज नॉट अ जोक, राइट। देखो 5 साल आप एमबीबीएस पढ़ रहे हो, उसके पहले भी आपको कितना पढ़ाई करना पड़ता है, आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी कितना पैसा आपके ऊपर खर्चा किया, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप अगर उबर ड्राइव करोगे, देखिए कोई भी प्रोफेशन को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, राइट, लेकिन डॉक्टर का एक अपना एक जगह है, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने इतना पढ़ाई किया, अपने लाइफ भर इतना आपने मेहनत किया उस डिग्री को हासिल करने के लिए, उसके बाद आपको डिग्री हासिल हो गया, आपको आपको आपने एस्टेब्लिश भी कर लिया अपने आपको अपने कंट्री में, राइट। वहाँ पे लोग डॉक्टर को, मुझे पता है, राइट, क्या मानते हैं हम लोग डॉक्टर को, लेकिन वहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे आके जब आप एक उबर ड्राइव करोगे, तो शायद वो यहाँ के सोसाइटी के लिए सही है, क्योंकि यहाँ के सोसाइटी में कोई भी प्रोफेशन सेम है, सब सेम है, लेकिन आपके लिए वो मेंटली शायद आप स्टेबल नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, दैट आई कैन फील दैट। सो अगर आप ऐसी जगह पे हो या अगर आप ऐसे एस्टेब्लिश्ड हो, देन यू नीड टू लाइक नो, आपको सोचना चाहिए, मैं आपको बोलूँगा, लेकिन आपका डिसीजन लेने से पहले आपको कनाडा आना चाहिए नहीं चाहिए, आपको दोबारा फिर से सोचना चाहिए कि क्या आप रेडी हो फिर से स्ट्रगल करने के लिए, फिर से पढ़ाई करने के लिए, फिर से लाइसेंस लेने के लिए, फिर से एक जेनरिक लाइफ लीड करने के लिए। अगर आप रेडी हो देन यू आर वेलकम, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, 1 साल 2 साल के बाद वो लोग फिर से वापस चले जाते हैं, राइट। सो दैट्स अ वेस्ट ऑफ 2 ईयर्स टाइम इन देयर लाइफ, सो इन दैट केस प्रॉब्ली दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू। एंड माई लास्ट पॉइंट, राइट, आपको कब कनाडा नहीं आना चाहिए, देखिए दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फिनेंशियल कंडीशन, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि मैंने खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पे आए हैं, बट बैक इन आवर कंट्री देयर फिनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए इन लोगों ने 20-30 लाख रुपया कर्जा लिया, बेसिकली ये तो नहीं लेते, इनका पेरेंट्स कर्जा लेते हैं, राइट, बहुत मुश्किल से कर्जा लेते हैं, सोचते हैं कि बेटा बाहर जाएगा, बेटी बाहर जाएगी, लाइक नो बड़ा कुछ बनेगा। एंड देखिए यहाँ पे एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन, ओके, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे इन दिस कंट्री नॉट एवरीथिंग इज ग्रीन, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, नॉट ओनली हार्ड वर्क, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, राइट, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नॉट ओनली हार्ड वर्क, देखिए यहाँ पे यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, राइट, एवरीथिंग इज न्यू, ठीक है, यहाँ पे एवरीथिंग इज न्यू, तो क्या होता है, देखिए वो 50-50 होता है, राइट, लाइक नो आपको कामयाबी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, राइट, हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर्स आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या यू आर नॉट रेडी, राइट, आप मेंटली शायद रेडी नहीं हो कि खुद अकेले मेहनत करके बड़ा होके आप कुछ करोगे, या देयर मे बी मल्टीपल रीजन, 100 रीजन्स, आई हैव सीन मेनी पीपल जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में आया, लेकिन दे आर वेरी गुड एट स्टडी बैक इन इंडिया, वो लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उन लोगों के पेरेंट्स ने बहुत ही कर्जा लेके बहुत ही मुश्किल से इन लोगों को भेजा यहाँ पे, 700 स्टूडेंट को इस साल कनाडा से डिपोर्ट कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट अ डिफरेंट स्टोरी, बट उन लोगों ने भी पैसे देकर ही यहाँ पे आए थे ना, अपने बच्चे को जब भेज रहे हो, आर यू 100% श्योर कि आपके बच्चे जो है यहाँ पे रहेगा जिंदगी भर, या आपके बच्चे को यहाँ पे कामयाबी मिलेगा? एक बात आप बताइए एज ए पेरेंट्स, आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा खुद देखा कि लेकिन वो अपने बेटी को यहाँ पे भेज दिया, उसके बाद लेकिन दे आर कंसर्न, राइट, इन अ न्यू कंट्री दे आर डॉटर हैज़ ट्रेवल्ड एंड दे डोंट हैव एनी रिलेटिव्स हियर, दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर, एंड इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर दैट लिटिल गर्ल, राइट, एंड दैट लिटिल गर्ल शी नेवर वेंट आउट एंड शी नेवर लिव्ड अलोन, राइट, विदाउट हर पेरेंट्स, तो उनके लाइक नो इन दैट सिचुएशन उनके जो पेरेंट्स होता है तो भेज तो दिया कनाडा, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, राइट, और देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि क्राइम बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे भी क्राइम है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा कॉशस रहने की ज़रूरत है, तो अगर आपके अगर यहाँ पे कोई नहीं है और अगर अपने बच्चे को आप यहाँ पे भेज रहे हो, और अगर कल भगवान ना करे अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, राइट, उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, मान लीजिए कुछ हो गया, तो हाउ एज ए पेरेंट आप कैसे उनको सपोर्ट करोगे, एज ए पेरेंट आप कैसे उसको आप ठीक करोगे, राइट, लेकिन दैट इज आउट ऑफ योर हैंड, दूसरे कंट्री में आप चाह के भी नहीं आ सकते हो, राइट, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वीज़ा मिलेगा, उसके बाद भी आने के लिए 24 घंटा मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है, 24 घंटे का फ्लाइट होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट, तो मेरा जो पॉइंट है कि अगर फिनेंशियली अगर आपको लगता है कि 30 लाख का कर्जा लेके आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, एंड यू डोंट हैव दैट बैकअप कि ये जो कर्जा है ये प्लान अगर आपका फेल कर गया देन यू विल बी इन ट्रबल, अगर आपका सिचुएशन अगर ऐसा है देन मैं रिकमेंड करूंगा नो, इट्स अ बिग नो, ठीक है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, राइट,
इतना कर्जा लेके दिस इज नॉट हेवन, ओके टू बी वेरी फ्रैंक। अपना कंट्री भी बहुत अच्छा है, अपने कंट्री में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है। मेरे पास इंडिया में भी बहुत बढ़िया लाइफ था दोस्तों, ठीक है। मैं भी अपना लाइफ इंडिया से स्टार्ट किया, लेकिन आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड, मुझे भी अच्छा लाइफ मिला, देन बिकॉज ऑफ माई किड्स अगेन आई केम हियर, राइट। तो लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से पैसा लेके नहीं आया हूँ, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। मैं अपने पेरेंट्स से कर्जा लेके या मेरे पेरेंट्स ने कर्जा लेके मुझे नहीं भेजा, ठीक है। कि अगर मैं कल अगर फिर से ये थर्ड टाइम अगर मैं इंडिया वापस जाऊँगा, मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं है, मेरे पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, आई एम टोटली सिक्योर, राइट। तो मैं उस हिसाब से ही जाऊँगा। लेकिन अगर आपका सिचुएशन अगर ऐसा नहीं है और एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर आपको भेज रहे हैं, एंड बाई एनी चांस आपका आफ्टर वन ईयर और टू ईयर मान लो आपको पीआर नहीं मिला फॉर एनी रीज़न, ठीक है, आपका आपने मान लीजिए आप गाड़ी आप ड्राइव कर रहे थे, आप लेकिन आपका किसी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया या किसी क्राइम सिचुएशन में आप आ गए हो, नोबडी नोज, राइट, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कुछ भी हो सकते हैं, राइट, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ऐसे कुछ सिचुएशन में ना होते हुए भी अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, देन आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो जो 30 लाख का जो कर्जा है, वो आपके पेरेंट्स कैसे उसको मिटाएगा, आप कैसे मिटाओगे, आप क्या करोगे? So there are a lot of factors, right? बहुत सारे स्टूडेंट या हम लोग मिलते हैं रास्ते पे कहीं पर भी बात करते हैं, तो उन लोगों को नोवा स्कोशिया में 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को पीआर नहीं मिला। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते जा रहा है, कुछ ना कुछ, इतना डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, इतना डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, मुझे बोल रहा था उस दिन, इतना डॉक्यूमेंट दे रही हूँ लेकिन फिर भी कोई अता पता नहीं, तो इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा। No, but you can try that, you can try for that, but what I'm saying कि बॉस आपके घर में अगर मान लो योर सेविंग्स इज 1000 रुपीज एंड यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख रुपीज जस्ट टू सेंड योर किड्स टू कैनाडा, एंड इफ दैट बैक फॉल देन डू यू हैव अ बैकअप प्लान, दैट इज माई क्वेश्चन। अगर आपके पास बैकअप प्लान है, इफ़ यू नो दैट्स ओके, लाइक नो अगर मेरा बेटा कल 2 साल के बाद चल भी आता है, दैट विल नॉट इम्पैक्ट मी फिनेंशियली, दैट विल नॉट इम्पैक्ट माई किड्स, देयर करियर विल नॉट बी इम्पैक्टेड, देन यू आर ऑल गुड, यू शुड कम। ऑब्वियसली आपको फर्स्ट ऑल कंट्री आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, या क्या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनूंगा, व्हाट आर द प्रोज, आपको क्यों आना चाहिए, बट दिस इज माई पॉइंट। अगर आपका फिनेंशियल टफनेस है, फिनेंशियल सिचुएशन अगर ऐसा है बैक इन योर कंट्री, देन प्रॉब्ली आपको दोबारा सोचना चाहिए डीएसएन लेने से पहले। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरा 5 पॉइंट था कि आपको कब कनाडा नहीं आना चाहिए। आप लोग मुझे बोलिएगा आप लोगों को क्या लगता है, डिसीजन लेना चाहिए। एग्जैक्टली, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग मुझे बोलिएगा। अगर आप लोगों को और कुछ जानना है, कमेंट करना है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। और आप भी अगर ऐसा डिलेमा में हो, अगर आपको कुछ यू नो कुछ ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। सो अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।